जिस तरह के टेंशन हमारे पाकिस्तान के साथ में स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूस मोदी जी या फिर एस जयशंकर साहब हमारे पाकिस्तान काफी इंटरेस्टिंग होगा आइए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं एससीओ को समझने की कोशिश करते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम subscribe subscribed this channel so far? Do subscribe and press the bell icon for more update regarding World of Yours.

वैसे यहाँ पर मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस इनविटेशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन जिस तरह के हालात करेंटली जम्मू एंड कश्मीर में है कंटिनुअस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुए हैं रिसेंटली कुछ महीनों में और ये अभी का बात नहीं है काफ़ी सालों से ऐसा होते आ रहा है तो ये नॉर्मलाइज करने की बात नहीं जब तक हम ओवरऑल पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी जो टेररिज्म है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू काउंटर टेररिज्म अगर उसको नहीं करते हैं अगर उस चीज़ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो तब तक जो बायोलिट्रल रिलेशन है वो नॉर्मलाइज होने का सवाल ही नहीं उठता है लेकिन इन सबसे पहले आई ए हम समझने की कोशिश करते हैं एस यू दट इज संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी है जिसकी शुरुआत वैसे तो 2001 में हुई थी लेकिन इसकी नींव 1996 में रखी गई थी विद द नेम ऑफ संघाई फाइव जिसे स्टैब्लिस किया गया था कजाकिस्तान चाइना किर्गिस्तान रशिया और तजिकिस्तान के द्वारा लेकिन बाद में दो में उज्बेकिस्तान जुड़ता है जिसके बाद इसका नाम संघाई फाइव से एस हो जाता है दैट इज संघाई ऑर्गेनाइजेशन। बाद में 2015 में उफा रशिया में एससीओ में यह डिसाइड किया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान को भी जोड़ना चाहिए एज अ फुल मेंबर और फिर 2016 में इंडिया एंड पाकिस्तान एक्चुअली साइन दी मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन इन तांट उज्बेकिस्तान उजबकिस्तानी एस सीओ एज फुल में दो हजार सत्रह के आसपास इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन एस सीओ एज फुल मेंबर्स नीओ का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट एक म्यूचुअल बेनिफिट और साथ साथ इक्वालिटी कंसल्टेशन एंड एक दूसरे के कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए हम आपस में आगे बढ़ें इसके साथ हम कोशिश करें कि हम आपस के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करें अब आपस में प्रमोट करें कॉपरेशन पॉलिटिकल अफेयर्स के रेस्पेक्ट में इकोनॉमिक्स ट्रेड साइंटिफिक टेक्निकल कल्चरल एंड एजुकेशनल स्फेयर में भी और इसके साथ साथ हम इस चीज को भी इंश्योर करें कि एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म भी खास करके सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट हो आपस में आपस में सेफ गार्ड कर सके रीजनल पीस सिक्योरिटी को, एंड एट लास्ट वी इकोनॉमिक एक और ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स अब इन दोनों को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बनाने का बात किया जा रहा था विच कैन इवन काउंटर यूनाइटेड नेशन आल्सो इफ टाइम्स कम तो इसके साथ में काफी सारे पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं कि आने वाले वक्त में यूनाइटेड नेशन की जो हैजीमनी है क्या उसको काउंटर किया जा सकता है इस तरह के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जहां पर कई सारे कंट्रीज और जुड़ेंगे इन फ्यूचर खास करके विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल साउथ तो क्योंकि आज हम इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली देखते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ जहां पर ग्लोबल नॉर्थ अपने आप को डोमिनेंस करने के लिए स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ये सारी कंट्रीज जो हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लेकिन कई बार जो ग्लोबल साउथ है उसमें स्पेसिफिकली अफ्रीका ले लो अफ्रीकन यूनियन ले लो उसके बात को नहीं रखा जाता है सामने राइट जो आज वहां पर मुद्दे हैं बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं राइट टेररिज्म है फूड सिक्योरिटी है राइट इवन हंगर जैसे प्रॉब्लम है डिजीज है तो ये सारे चीजें जो है ये आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो ये आज के वक्त में वेस्ट के लिए कंसर्न नहीं है राइट right? ये एक बहुत बड़ा इशू है तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हम इन फ्यूचर ब्रिक्स को एक्सपैंड कर सकते एस को एक्सपैंड करके एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं अब हां एक चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग होगा यहां पर जानना कि अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो यूनाइटेड नेशन और स्पेसिफिकली थ रेस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट ये एक नाइटमेयर होगा यूएसए के लिए जी हां क्योंकि यूएसए ये कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बने जहां पर यूएन क्योंकि देखो यूएन में कहीं ना कहीं डोमिनेंस आज के वक्त में सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का है और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो रशिया और चाइना है तो रशिया चाइना ये जरूर चाहेंगे कि इन फ्यूचर एस सी ओ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो ब्रिक्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो राइट वैसे जब हम बात फंडिंग की भी करते हैं चाहे बात आ ब्रिक्स का कर लो तो ब्रिक्स कंट्री में भी मेजोरिटी ऑफ दी फंडिंग जो आता है वो एक्चुअली चाइना की तरफ से आता है और इधर रशिया की तरफ से आता है तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आने वाले वक्त में कि किस तरीके से चाइना और रशिया एक्ट करेगा विद रेस्पेक्ट टू एस एंड ब्रिक्स तो आने वाले वक्त में ये डेवलपमेंट्स होंगे एंड अभी ये भी काफी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो रिसेंट टाइम पे अक्टूबर में एस की मीटिंग होने जा रही है इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाएंगे वैसे लगता तो नहीं है और ना ही इवन एस जयशंकर साहब जाएंगे हो सकता है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से यहां पर मीट किया जाए क्योंकि हम अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जाएंगे क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान आज के वक्त में कंटिन्यूसली टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म फैला रहा है और साथ साथ करके जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में इनस्टेबिलिटी करने की कोशिश करता रहता है नाउ एट लास्ट वट यू थिंक कि क्या प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए पाकिस्तान इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए या फिर आपको लगता है एस जयशंकर साहब को जाना चाहिए या फिर इन दोनों में से किसी को भी नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान हम इसे स्किप कर सकते हैं वट यू थिंक डू लेट मी नो इन दमेंट सेक्शन फाउंडिंग में से कौन सी कंट्री फाउंडिंग में एस सी ओ की ऑप्शन टू चाइना ऑप्शन थ्री इंडिया ऑप्शन फोर कजाकिस्तान सही आंसर दीजिएगा तो आपको यहां आपके आंसर पे हार्ड जरूर मिलेगा नाउ एट लास्ट दोस्तों अगर आप यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स इवन अगर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके इसमें अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए तो बिल्कुल श्री राम्स आई एस चैनल में आपको इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स और इवन पूरे कंप्लीट कोर्सेस मिलेंगे आप हमारे जो नए इनिशिएटिव है खास करके प्रज्ञा मैम रिसेंटली इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे लेक्चर्स लेकर आ रही हैं तो आप उस कोर्सेस के साथ में जुड़ सकते हैं हर दिन शाम चार बजे आपको इस तरह के लेक्चर्स मिल जाते हैं लाइव तो आप बिल्कुल जुड़िए श्री राम आई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड विद दैट May God bless you all.